सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि आप बहुत सी गलतियां करते हैं। अगर आप एक स्मार्टफोन यूजर हो तो आप अपने स्मार्टफोन में बहुत सी गलतियां करते हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन में वो गलतियां ना करें उनके बारे में बात करने वाले कि आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। उससे पहले मेरा नाम योगेश मेघवाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योगेश टेक, नो ड्रामा नो क्लिकबैट ऑन टेक। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पे आप जो गलतियां करते हैं उनके बारे में। तो आप ये गलतियां कभी ना करें, वरना इसमें तेरा गाठा मेरा कुछ नहीं जाता। तो आप ये गलतियां ना करें, वरना मेरा कुछ नहीं जाता, सब कुछ आपका जाता। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो गाइस सबसे पहली गलती, सेव पासवर्ड। आप जहां पर भी अपनी ईमेल आईडी लगाते हो, मतलब आपने ईमेल आईडी लगा दी और पासवर्ड लगा दिया, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ऊपर कि सेव पासवर्ड। तो वहां पे आप क्या करते हो, जल्दीबाजी में आप वहाँ पे पासवर्ड सेव करके रखते हो। मतलब आप अगर अपना पीसी यूज कर रहे हो, मतलब लैपटॉप यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि सेव पासवर्ड, और एक होता है कैंसिल का। तो गाइस आप क्या सोचते हो कि यार टाइम बचा लूं मैं अपना, तो यहाँ पे पासवर्ड सेव कर दूं तो आगे से मुझे ना ये सेव हुआ ही मिल जाएगा, मतलब आगे मुझे पासवर्ड नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आपका घाटा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी वेबसाइट होती है जो आपके पासवर्ड को हैक कर सकती है, और अगर आपका मोबाइल कोई और दूसरा बंदा यूज करता है तो वो भी वहाँ पे आपके जो पासवर्ड सेव है वो अपने आप सेट हो जाते हैं, तो वो बंदा आपके स्मार्टफोन का मिसयूज कर सकता है। और जैसे आप कहीं किसी और के पीसी में अपनी ईमेल आईडी लगा रहे हो, पासवर्ड लगा रहे हो, आप बहुत सी एप्लीकेशन यूज करते हो, तो आपकी आदत एक ही है सेव पासवर्ड, तो आप वहाँ पर भी सेव पासवर्ड कर देते हैं, तो इन पासवर्ड को कोई और दूसरा बंदा देख भी सकता है। आपकी ईमेल आईडी में जाके, हिस्ट्री में जाके वहाँ से आपकी पासवर्ड देखे भी जा सकते हैं कि आपने कौन कौन से पासवर्ड सेव कर रखे हैं। तो आपकी पहली गलती कि सेव पासवर्ड कभी ना करें, उसको कैंसिल कर दें। भाई आपका दो मिनट में कुछ नहीं जाता है, वरना आपका सब कुछ ही गया। मेरा मतलब है कि आपकी आइडिया किसी ने हैक कर ली तो आपका सब कुछ गया, लेकिन दो मिनट में आपका कुछ नहीं जाता है, तो आपका रखा हो जाएगा उसमें। तो आप ये गलती कभी ना करें। तो अब बात करते हैं अपन सेकंड गलती की, जो आपको इंटरनेट पर सब कुछ दिखाया जाता है वो सब कुछ सच नहीं होता, और पूरा का पूरा गलत भी नहीं होता, आधा सच और आधा फसाना। तो यहाँ पे वो वाली बात हो सकती है कि आधा सच है और आधा झूठ है। तो आप कोई बात होती है उसके दो पहलू होते हैं, एक झूठ भी होता है एक सच भी होता है। तो आप अगर जो कुछ भी इंटरनेट पे देख रहे हो उसको पूरा 100% सच ना माने। जैसे मैं बोलूँ, कोई बंदा किसी को दिखा रहा है और बोल रहा है कि ये बंदा ऐसा है, ये गंदा है, कुछ भी है, तो आप उसकी बातों पर ध्यान दें, बल्कि उस पर सर्च करें कि क्या है, क्या करता है, कुछ सब कुछ क्या करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उस पर मत दीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप सोशल मीडिया का यूज ना करें, लेकिन जो आपको सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है उसको पूरा हकीकत ना माने। तो आप ये गलती भी ना करें। तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट गलती। तो आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कुछ भी सामान लेते हो तो उसमें आप रेटिंग चेक करते हो। मुझे पता है 100% आप रेटिंग चेक करते हो कि इसकी कितनी रेटिंग है, 4.5, 4.2, 4.1, 4.0 या 2.4, कुछ भी ऐसी रेटिंग होती है, तो वहाँ पे आप रेटिंग देख के मतलब सामान ले। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी रेटिंग गलत होती है, बहुत से सेलर ऐसे होते हैं जो किसी के रेटिंग को कम करते रहते हैं, किसी को एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें। आप पहले देखें कि हाँ ये क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी गलतियाँ होती है, सभी रेटिंग गलत होती है, मतलब एक दो हो सकती है। बहुत से सेलर ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं इसकी रेटिंग कम कर दूं तो मेरा सामान बिकेगा, अगर मैं इसकी एक्स्ट्रा कर दूं तो उसका सामान नहीं बिकेगा। तो ऐसे में आप थोड़ा सोच समझ के जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, मतलब आप कोई भी सामान ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो उसको पहले देख के अच्छे तरीके से परखे उसको, फिर ऑनलाइन शॉपिंग करें। तो मेरा तो यही कहना है, थोड़ा बच के रहियो। तो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट गलती की ओर। तो मैंने इस गलती को भाई बहुत बार बताया, आप हमेशा करते हो, हर वीडियो बताता हूँ मैं आपको, आप नहीं मानते। फिर भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब की। भाई अभी करो चैनल को सब्सक्राइब, और पास में घंटे का ऑप्शन है उसे भी ऑल पे क्लिक कर दो, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ऐसे टेक्निकल वीडियो आपको नहीं मिलेंगे तो भाई आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा। तो अभी नीचे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटे का ऑप्शन भी है उसे भी ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे, तो आप ऐसे टेक्निकल चीज़ें जानते रहेंगे। तो अभी जाइए भाई, ऐसी गलती ना करें, इसमें मेरा घाटा नहीं है, सिर्फ आपका घाटा है। तो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट गलती की। तो ये गाइस ये गलती है स्मार्टफोन को लेकर। तो आपको सोशल मीडिया पे बहुत से स्मार्टफोन दिखाए जाते हैं ऐड के द्वारा, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, कुछ भी, वहाँ पे आपको स्मार्टफोन की ऐड आते हैं कि आपको ये फ़ोन इतना सस्ता मिल रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि कोई फ़ोन आ रहा है 30,000 रुपये का और वो आपको 25,000 21,000 रुपये मिल रहा है, तो आप भाई सोचो एक बार कि कोई चीज़ इतनी महंगी है, वो हमें इतनी सस्ती मिल रही है। तो आप ऐसी गलती ना करें कि वो बोल रहा है आपको कि ये फोन आपको 25 से 21,000 रुपये मिल जाएगा, मतलब 21 से 25 में मिल जाएगा, तो आप वो गलती ना करें। आपको ऐसे ऐड मिलते हैं जो कंपनी आपने कभी सुनी नहीं, तो आप उन फोन के चक्कर में ना फंसे कि मेहनत की कमाई है वो छीना चाहते हैं वो लोग,
तो आप ऐसे स्कैम करने वालों से बचें, तो आप ऐसी गलती ना करें। तो मेरा तो यही बोलना है कि आप इन गलतियों से बच के रहिए। तो गाइस अब बात करते हैं अपन आगे। तो गाइस आपको लॉटरी का ऑप्शन मिलता है कि भाई आपको आज लॉटरी लग गई है, आपको मैसेज आते हैं, ईमेल मैसेज आता है, आपको व्हाट्सएप मैसेज आता है, आपको पोस्ट ऑफिस से पोस्ट मिलता है, आपको फोन करके बोला जाता है कि सर आपको इतनी लॉटरी लगी है, आपको ये फॉर्म फिल करने हैं, आप ये हमें इन्फॉर्मेशन दें। तो आप ऐसी गलती भी ना करें, वहाँ पे अपने बैंक अकाउंट नंबर, अपने फोन नंबर ना दें उनको, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन उनको न दें। इस जमाने में आजकल कोई किसी का भला नहीं करता, किसी को एक गिलास पानी का फ्री नहीं देता। आपको 20 लाख की लॉटरी लगी है कोई आपको दे दे, 25 लाख की लॉटरी लगी है आपको कोई दे दे, आप सोच सकते हो भाई इस टाइम पे कोई लॉटरी दे दे आपको। तो मेरा तो यही कहना है कि आप इन स्कैम से बच के रहिए। आपको कोई बोले ना कि आपको ये लॉटरी लगी है, तो भाई आप इन सबसे बच के रहिए, आप उनकी बातों में ना आए। भाई आपको लॉटरी लगना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे नेक्स्ट की। तो गाइस आपको बहुत से अर्निंग ऐप मिलते हैं कि आपको इसमें यह बताना है कि लाइन कहाँ पे जाके रुकेगी। आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। अगर भाई घर बैठे पैसे कमाते ना तो लोग मजदूरी नहीं करते। हाँ मैं मानता हूँ कोई कोई एप्लीकेशन सच भी होती है, वहाँ पे उनमें आपको टैलेंट दिखाना पड़ता है अपना, तो वहाँ पे वो एप्लीकेशन सच भी होती है, लेकिन उनमें आप पहले पैसे लगाने पड़ते हैं। उनसे ऐसे लोग हैं जो किसी एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं कि आप इससे ये कर सकते हैं, आप इससे ये कर सकते हैं, तो उनके चक्कर में ना पड़े। अगर आपको कोई एप्लीकेशन मिल रही है अर्निंग ऐप, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर चेक कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उस एप्लीकेशन में बिलीव करें, वरना आप फंस सकते हो बिना मतलब में। और आप वहाँ पे अपने पैसे भी ऐड करते हो, मुझे पता है 100, 50, 200 कुछ भी ऐड करते हैं, तो आप ऐसी एप्लीकेशन के चक्कर में ना पड़े कि आप यहाँ से पैसे अर्न कर सकते हैं घर बैठे। अगर घर बैठे पैसे कमा जाता है तो कोई काम नहीं करता भाई। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट गलती की। अगर गाइस आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान मार्केट से परचेज करते हो ऑफलाइन, तो सबसे पहले एक काम करना आपको, आप उस चीज़ के बारे में ऑनलाइन देखिए कि ये वस्तु क्या है, इसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या ये अच्छा है, इसमें सब कुछ देखे जाइए। अगर आप कोई स्मार्टफोन परचेज कर रहे हो ऑफलाइन, तो पहले उसका थोड़ा बहुत ज्ञान ले लो भाई इंटरनेट के जरिए। भाई इंटरनेट में सब कुछ मिल जाता है आपको, जैसे मेरे पास रियलमी 5 है, अगर मुझे रियलमी 5 परचेज करना है तो मैं पहले देख लूँगा कि रियलमी 5 में कौन सा क्या है, क्या सब कुछ है, बैटरी कितनी है, कितनी रैम है, कितनी सब कुछ दे के फिर जाऊँगा, तो वहाँ पे क्या होगा मुझे नॉलेज होगा। और अगर आप ऐसे उठ के गए उसके पास, तो वो बोलेगा भाई ये वाला बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा। मेरा मतलब है कि वो दुकानदार आपसे बोलेगा कि भाई ये वाला बहुत अच्छा है, ये ले लो, ये ले लो, तो आप उसके चंगुल में फंस जाते हो और वो आपको कोई भी नकली माल दे देता है। जैसे आपको कोई टीवी परचेज करना है, आपको कोई LED परचेज करनी है, तो आप पहले उसके बारे में इंटरनेट के द्वारा थोड़ा बहुत नॉलेज ले लें, फिर दुकान पर जाइए। तो आप ऐसे स्मार्ट बनो भाई। तो मेरा तो यही कहना है कि आप स्मार्ट बनो, स्मार्ट रहिए, इंटरनेट का यूज करिए, बहुत कुछ पढ़ाई इंटरनेट पे, तो आप इंटरनेट का यूज करें तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, आप कहां से हो, आप क्या करते हो, सब कुछ लिख दो कमेंट में, अपना नाम ही लिख दो। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है भाई, मैंने एक बार पहले भी बोला है कि आप बहुत गलतियां करते हो, तो ये गलती ना करें। अभी नीचे जाइए, आपको नीचे रेड कलर का बटन मिलेगा, उससे दबाइए, और पास में घंटे का ऑप्शन भी है, उसे भी ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो अब मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड गुड, बाय बाय।